केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। दिल्ली देहरादून बाईपास पर आज मेरठ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 3 निर्माण जमीन ध्वस्त कर दिए। इस दौरान एमडी टीम को भारी विरोध व गंभीर आरोपों का भी सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि पैसे लेकर इन निर्माणों को एमडी अभियंताओं ने कराया है और अब ये एनजीटी के आदेश की आड़ में उन पर जुर्म कर रहे हैं। एमडी ने बाईपास के किनारे बने जिन भवनों व ढाबों पर निशान लगाए हैं, यदि वे ध्वस्त किए जाते हैं तो करीब 20,000 से 25,000 लोग बेरोजगारी के चौखट पर आ जाएंगे, ऐसा इन पीड़ित लोगों ने दावा किया है। NH-58 व्यापारी एवं किसान उत्थान संघर्ष समिति ने इसके विरोध में कल से धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। समिति ने यह भी दावा किया है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस लड़ाई में उनके साथ हैं, वह भी इस धरने में शामिल होने आ रहे हैं। साथ ही जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है, प्राधिकरण उन्हें अपनी कॉलोनियों व अन्य निर्माणों पर लागू क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण ने बाईपास पर सड़क के मध्य से 38 मीटर तक रोड वाइंडिंग या 100 मीटर तक ग्रीन बेल्ट छोड़ने की बात कही है। इस परिधि में आने वाले भवनों पर ध्वस्तीकरण के निशान लगा दिए गए हैं। बीते 17 अगस्त को इसका विरोध करते हुए लोगों ने प्राधिकरण वीसी से मुलाकात की थी। आज विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि तब वीसी ने 15 दिन में इसका कोई रास्ता निकालने की बात कहते हुए तब तक ध्वस्तीकरण करने का आश्वासन उन्हें दिया था। आज टीम ने जब ध्वस्तीकरण किया तो प्रभावित लोगों ने इसका वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध किया। आज सुखदेव ढाबा से सटे निर्माण के साथ ही संस्कृति बैंक्वेट हॉल के साथ हुए निर्माण समेत 3 जगह बुलडोजर चलाया गया। पहले देखिए मौके पर विरोध के हालात। बातचीत होने के बावजूद भी इंतजाम हमने नहीं भेजे थे, कैसे टूटे हम अच्छा है। अगर आपकी वीसी साहब से वार्ता के बावजूद भी वीसी साहब टीम भेजते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कोई बात नहीं, वो हम तोड़वा बिल्कुल तोड़वा देंगे, वो तोड़वा देंगे। अगर वीसी साहब ना सर मुआवजा दे दो, तोड़ दो सर, मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो, तोड़ दो। अगर बीसी साहब की बातचीत के बावजूद आपके समस्या से बना पेट भरा था ना, इनका झाड़ से पेट भरा है। हेलो, अरे ऐसा क्या कर लेकर जमीन है का, लेकिन जमीन है का साहब ने ये बोला था जब तक बैठ के सीमा तय न हो जाएगी इतना कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ तो पहुँचने चलो, अरे अपना दुआ करे कोई आशा आदा भाई क्या
इस बारे में जब फर्स्ट बाइट टीवी ने संघर्ष समिति से जुड़े मनु से बात की तो उन्होंने यह कहा। हेलो जी, जी नमस्कार जी भैया। नमस्कार भैया, रवि शर्मा बोल रहा हूँ फर्स्ट बाइट से। क्या कह रहा भैया आज उधर? आज भैया एमडीए ने ध्वस्तीकरण के लिए अपनी टीम भेज दी थी बाईपास पे जी। तो हम लोग 17 तारीख में वीसी साहब के पास गए थे, हजारों किसान इकट्ठे होके मेरठ बाईपास पे। तो उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि अभी 15 दिन तक हम यहाँ कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई रास्ता इसमें बीच का ऐसा निकाल लेंगे कि हमारा जो एक्सीडेंट होते हैं बाईपास के ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो भी ना हो, मतलब हमारी सहूलियत भी हो जाए, हम एक व्यवस्था भी बनाने में कामयाब हो जाएं और आप लोगों का नुकसान भी ना हो, कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालेंगे। लेकिन उन्होंने आज तीसरे दिन ही चौथे दिन ही अपनी टीम भेज के बिना कोई ड्रोन सर्वे कराए हुए उससे पहले उन्होंने आज फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करा दी। तो इसका विरोध आज सब लोगों ने इकट्ठे होकर किया। फिर वीसी साहब से मिलने एमडी ऑफिस गए तो वो आज वीसी साहब वहां पर थे नहीं, सचिव साहब से आज बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 28 तारीख तक वीसी साहब वापस आएंगे, तब उनसे बैठ के आप लोग वार्ता कर लेना और कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा मनोज, आप 17 तारीख को किस वजह से गए थे, क्या डिमांड थी आपकी? 17 तारीख में भी हमारी यही डिमांड थी भैया कि उन्होंने एमडीए ने बाईपास पे पूरे पे 38 मीटर तक तो रोड वाइंडिंग के निशान लगाए हुए हैं और फिर 100 मीटर तक ग्रीन बेल्ट के निशान लगाए हुए हैं और इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए इन्होंने नोटिस दे दिए थे जी। तो हमारी ये डिमांड थी कि अगर या तो हमें हमारी जमीन का आप मुआवजा दे दो, मुआवजा इन्होंने 24.5 मीटर तक दिया हुआ है बस। अच्छा, तो या तो हमें आप उसके बाद मुआवजा दे दो, वरना हमारे रोजगार वहां से चल रहे हैं, हमारे वहां रह भी रहे हैं लोग 35-35 साल से, वहां लोगों ने अपने घर बना के रह भी रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने निशान लगा दिए हैं और जिन लोगों का परिवार वहीं से ही पल रहा, जिनकी दुकानें हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, अगर उन पे ध्वस्तीकरण इस तरीके से कर देंगे तो 20-25 हजार लोग बेरोजगार होकर सड़कों पे आ जाएंगे। तो रोजगार आज मिल तो रहा नहीं है, सरकार कह रही है कि नौकरियां नहीं है, आप अपने रोजगार बनाओ, खुद अपने काम करो, और जो रोजगार बने बनाए जो रोजगार चल रहे हैं, जिनसे लोगों के घर पल रहे हैं, उन्हें एमडीए ध्वस्तीकरण करके उन्हें बर्बाद करने के पे तुला हुआ है जी। दोहरी नीति अपना रहा, जहां पर एमडीए ने अपनी कॉलोनियां बनाई हुई हैं, हम किसानों से जमीनें एक्वायर करके और जो जिन जमीनों के मालिक खुद एमडीए हो गया है, वहां इन्होंने एक मीटर भी ग्रीन बेल्ट के लिए जमीन नहीं छोड़ी हुई है। अगर ग्रीन बेल्ट इतनी जरूरी है तो क्या इन्हें अपनी जमीनों में भी हमारे बराबर या तो ग्रीन बेल्ट छोड़ते, बल्कि करना ये चाहिए था कि अगर एमडीए ने जो जमीन एक्वायर करी है वहां 200 मीटर की ग्रीन बेल्ट देते अगर वो इतनी आवश्यक है, और किसान से 100 मीटर लेते, क्योंकि वो तो सरकार है, वो ज्यादा ख्याल रख सकती, उसकी पोटेंशियल ज्यादा है साधारण किसान से। इन्होंने उल्टा कर ये दिया कि अपनी जमीनों में तो 1-1 इंच जमीन इन्होंने बेच दी, अपना इन्होंने पूरा मुनाफा कमा लिया एमडीए ने, और किसानों की जमीन इनके लिए फोकट की जमीन है, फ्री की जमीन है, उसमें ये 100 मीटर जबरदस्ती ग्रीन बेल्ट छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वहां कोई निर्माण नहीं करने दे रहे, जो कर रहे हैं उनके ऊपर ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। तो ये अत्याचार भैया किसानों पे ये एमडीए समय बुरी तरीके से कर रहा है, और 20-25 हजार लोग बेरोजगार होकर सड़कों पे आ जाएंगे हमारे सामने, या तो हम आत्मदाह करेंगे और अपने बच्चों को लेके आत्मदाह करेंगे हमारे सामने, वरना कोई दूसरा विकल्प जीने का बचेगा नहीं। कल से हम लोग धरना शुरू कर रहे हैं, जहां आज इन्होंने ध्वस्तीकरण किया है सुखदेव होटल के बराबर में, कल से सभी किसान सभी व्यापारी इकट्ठे होकर वहां पर धरना शुरू कर रहे हैं, और इसमें किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी भी, अभी आज उनका फोन आया था कि अगर आप लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है तो मैं भी आपका साथ दूंगा, किसानों को साथ में अत्याचार होने नहीं दूंगा, मैं भी आके उस धरने पर जुड़ूंगा। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।